नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं साइंस प्रैक्टिकल लैब में। आज का हमारा जो अपना प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, यानी पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो प्राइमरी सेल जो होते हैं उनके ईएमएफ की हमें तुलना करनी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें एक बैटरी चाहिए, एक कुंजी चाहिए, एक आरएच यानी धारा नियंत्रक चाहिए और दो प्राथमिक सेल चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर, एक जोकी और एक द्विमार्गी कुंजी। ये हमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो चाहिए। इन सबको हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, सर्किट बना लेंगे, ठीक है। इस सर्किट के साथ साथ हमें ईएमएफ की तुलना करने के लिए एक टेबल कंप्लीट करनी होती है। इस टेबल के अंदर हमें क्या चाहिए, शुष्क सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1 का मान चाहिए और डैनियल सेल या E2 दूसरा सेल है उसके लिए संतुलन लंबाई L2 चाहिए और हमें क्या करेंगे L1 और L2 का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। इस प्रकार आप सर्किट कंप्लीट कर लोगे। ये देखिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है E, इसके साथ कुंजी जुड़ी हुई है। ये आप सर्किट कंप्लीट तो कर ही लोगे। कंप्लीट करने के बाद देखो सिद्धांत क्या किस पर बेस पर कार्य करता है, L1 और L2 का मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुंजी लगा देंगे कि जैसे ही प्लग लगा दिया हमने यहाँ पर तो प्राथमिक सर्किट जो ऊपर वाला सर्किट है इसे प्राथमिक सर्किट बोलते हैं, नीचे वाला हुआ सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक सर्किट है वो कार्य करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ई है, इसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, है ना भी, कितनी वोल्ट का सेल है वो, जितनी वोल्टेज होगी वो इस तार के अंदर क्या होगी, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। देखो तो प्रवाहित होगी तो RH जो है यानी धारा नियंत्रक है उस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च हो जाएगी। अब बाकी बची जो वोल्टेज है वो AB नाम की हमारी जो विभवमापी है, ये एक लंबा तार होता है, कितने सेंटीमीटर का, 1000 सेंटीमीटर का, 10 तार होते हैं 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर पर एकसमान रूप से वोल्टेज है जो ई सेल की वो एकसमान रूप से वितरित हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे ये इस पर वितरित हो जाएगी अब हमें कार्रवाई क्या करनी है, देखो सबसे पहले हमें संतुलन लंबाई L1 निकालनी है। L1 किसके लिए है, E1 सेल के लिए। अब E1 सेल जोड़ेंगे सबसे पहले, ये द्विमार्गी कुंजी होती है, इसमें जब प्लग लगा देंगे यहाँ बीच में प्लग लगाने का मतलब क्या है कि हमने E1 सेल को इस गैल्वेनोमीटर और इस जोके के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी में यहाँ पर प्लग लगा दी तो इसका मतलब E1 सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसकी वोल्टेज इसके ऊपर एकसमान रूप से वितरित है, ये सेल कुछ ना कुछ वोल्ट का है और हमें श्योर पता होना चाहिए कि ये सेल जो है इस सेल की तुलना में छोटा है, यानी ये वाला सेल बड़ा है, ये सेल क्या है, छोटा होता ही है, होगा ही। ये सेल आपको छोटा लेना होता है, ये सेल बड़ा लेना होता है, क्योंकि इसकी वोल्टेज है वो इस पर वितरित होगी और किसी लंबाई पर इन दोनों सेलों की वोल्टेज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखो इधर देखो बोर्ड पे, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक। अब एक दूसरा सेल जोड़ दिया नीचे और इस ये विपरीत साइड में जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पर एक कुंजी जोड़ दी, अब दोनों इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, यदि दोनों के अंदर ध्यान देना, यदि दोनों सेलों के अंदर EMF इक्वल होगा, बराबर होगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप शून्य आएगा। विक्षेप शून्य आने का मतलब क्या है, किसकी इक्विलिब्रियम या साम्यवस्था की स्थिति आएगी। अब देखो जिस तार के ऊपर मान लो ये अपना सेल है वो 10 वोल्टेज का है, सपोज करो एक वोल्टेज यहाँ खत्म हो गई, 9 वोल्ट बच गई इस पर, है ना, यानी विभवमापी के तार पर जो एकसमान रूप से फैली हुई वो कितनी वोल्टेज है, 9 वोल्ट सपोज कर रहे हैं हम। मान लो 3 वोल्ट का ये सेल है, ठीक है, मान लिया, तो 3 वोल्ट का सेल है जहां पर तार की लंबाई, जिस लंबाई पर 3 वोल्टेज मिल जाएगी ना हमें, देखो 3 वोल्टेज जहां मिल जाएगी वहां पर जी के अंदर या गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप कितना आएगा, शून्य आएगा। गैल्वेनोमीटर पता है आपको बीच में शून्य होता है, दोनों साइड में 30-30 खाने बने होते हैं, तो शून्य आएगा वहां पर, साम्यवस्था की स्थिति होगी। इसका मतलब यह है इतनी लंबाई ऊपर वाली जो भी लंबाई L1 आएगी वो और इसका दोनों का EMF क्या है, इक्वल है, समझ रहे हो मेरी बात को। यहां पर क्या जाएगा, ये जो लंबाई आएगी वो L1 हमें मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम इस द्विमार्गी कुंजी को निकाल देंगे, पलक को लगा लिया, निकाल दिया, अब नीचे वाले सेल E2 को जोड़ देंगे, यानी प्लग नीचे बीच वाले में इधर वाले में जोड़ दिया, अब सेल E2 जुड़ा हुआ है। यही कार्रवाई जो हमने E1 के लिए की थी वो E2 के लिए करेंगे, चूंकि हमें पता है दोनों सेल इक्वल होते तो एक लंबाई इक्वल आती, हमें पता है दोनों सेलों का EMF अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या आएगी, लंबाई डिफरेंस आएगी, डिफरेंट आएगी तो L2 भी आ जाएगी इस प्रकार, ठीक है। L1 और L2 आ जाएगी तो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे,
अनुपात निकाल लेंगे और विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी। चूंकि हमने ये प्रयोग एक बार किया है इसलिए इसमें एक्यूरेसी की संभावना कम होती है। तो हम ये प्रक्रिया कितनी बार करते हैं, कई बार 5 बार करते हैं, कई बार 6 बार करते हैं, वो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि आपको 5 परीक्षण लेने हैं या 6 परीक्षण लेने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये सेल है, ये सॉरी बैटरी है, इस पर एक समान रूप से ईएमएफ फैला हुआ है, इन दोनों की वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आया, तो दोबारा जब हम परीक्षण लेंगे तो L1 और L2 तो सेम आनी चाहिए। लेकिन हमें सेम नहीं निकालनी, क्योंकि सेम आ जाएगी तो सारे परीक्षण सेम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो RH लगा हुआ है ना, इसमें थोड़ी सी वृद्धि या कमी करनी है, क्योंकि इस बैटरी जो है इसका पोटेंशियल, इसकी वोल्टेज, कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च होती है और बाकी इस पर फैल जाती है। अगर इसको हिलाया नहीं हमने, इस पर एक समान रूप से विद्युत फैली हुई, तो परीक्षण सारे सेम आएंगे। क्योंकि सेम परीक्षण आएंगे तो मतलब एक ही माना जाएगा। तो हमें परीक्षण में डिफरेंट वेराइटी लाने के लिए, वेरी करने के लिए हम RH को थोड़ा सा वेरी कर देंगे। अब RH आपको पता है वेरी होता है, ये देखिए ये RH है, अब हम इसको खिसका देंगे थोड़ा सा। मान लो हमने RH को खिसका करके आगे कर दिया, तो इसका मतलब देखो अब कितना, इतना रेजिस्टेंस काम आ रहा है, यानी इतने इतनी वो इस रेजिस्टेंस के हिसाब से इसकी वोल्टेज खर्च कर रहा है ये RH। अब हम इसको आगे खिसका देंगे तो थोड़ी वोल्टेज आएगा, पीछे खिसका देंगे तो ज़्यादा वोल्टेज खर्च होगी। तो इसका मतलब यहाँ RH को खिसकाने से इस तार पर जो एक समान रूप से फैला हुआ है, इस पर इसकी वोल्टेज में परिवर्तन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरा परीक्षण लेने से पहले RH को थोड़ा आगे या पीछे जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सारे मान क्या आएंगे, समान आएंगे, सारी वैल्यू समान आएगी। तो हमें 5 या 6 परीक्षण लेने हैं, इसके बाद क्या करना है, 5 या 6 परीक्षणों का एवरेज निकालना है, जिसे हम माध्य बोलते हैं ना, सबको जोड़ करके 5 लिए तो 5 का डिवाइडेशन कर देते हैं और 6 लिए तो 6 का डिवाइडेशन करते हैं। इस प्रकार इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है, इस प्रकार आपको करना है। तो थ्योरी को एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, दोबारा चला करके देख लीजिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, इससे कुछ खास नहीं है। ठीक है,